अच्छा ठीक है, अब मैं रखती हूँ फोन। अरे यार तुम्हें बहुत जल्दी रहती है, सुनो तो। बाय। अरे बाय बाबा। बेबी ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। ये लड़का कौन है जो इसे बेबी बोल रहा है? ये तो गिफ्ट भी लेकर आया। एक मिनट कॉल करता हूँ। नंबर बंद कर लिया। अरे बाप रे, तभी सोचूं वीडियो कॉल में इतनी जल्दी क्यों कर रही है। अभी जाके इसे बताता हूँ। चलिए अब ठीक है, आप चले जाइए यहाँ से। अगर मेरे पति ने यहाँ पर मुझे देख लिया आपके साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जाइए। शुक्र है चला गया। अरे वो तो चला गया लेकिन मैं तो आ गया। कपिल तुम देखो जैसे तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा, लेकिन कम से कम मेरी बात सुनना एक बार। चुप करो, मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है ना बिल्कुल सही चल रहा है, क्योंकि अपनी आंखों से मैंने वीडियो कॉल पर देखा है किस तरीके से तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे मिलने आया है, तुम्हें गिफ्ट देने आया था। और जब भी सोचूं वीडियो कॉल पर इतनी भागने की जल्दी क्यों होती है, क्योंकि ये जरूरी काम भी तो था तुम्हारा, अपने बॉयफ्रेंड से मिलना। कपिल ऐसा कुछ भी नहीं है, कम से कम मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम समझ रहे हो ऐसा है ही नहीं। मैंने तुम्हें दोबारा कॉल किया लेकिन तुमने जानबूझ के फोन बंद कर लिया ताकि पकड़ में ना आ जाओ। हाँ अरे नहीं, मैंने कोई फोन नहीं बंद किया था, तुम खुद देखो मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया था, भला मैं जानबूझकर क्यों फोन ऑफ करूंगी। अच्छा स्विच ऑफ हो गया था, अब मेरी बात सुन लो। आज ना मैं तुम्हें ब्रेकअप देता हूँ, क्योंकि बस मैं एक मौके की तलाश में था कि कोई तुम गलती करो और उसके बाद मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, इसलिए आज के बाद मेरे से मिलना मत, समझी? अच्छा तो तुम मौका ढूंढ रहे थे ना, तो मैं बताती हूँ बात क्या थी। ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। अरे भैया आप कौन है? ओह शिट, मेरा फोन भी स्विच ऑफ हो गया। अरे सॉरी मैडम, मुझे लगा यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही है। वो क्या है ना, दो दिन पहले मेरी इंस्टाग्राम से नई सेटिंग हुई है, तो आज मैं उस लड़की से मिलना आया था। उसने बोला था वो आज ब्लैक कलर की टी शर्ट पहन के आएगी, और आपने भी सेम टी शर्ट पहन रखी है, मुझे लगा कि वो लड़की आप ही हो। ये क्या तरीका है आपका, आप किसी भी लड़की को समझेंगे कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है और पीछे से आप आके उसके हक कर लेंगे, ये कहाँ का तरीका हुआ? देखो मैं समझती हूँ कि आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सोच समझ के करा करो, देख लिया करो कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है भी या नहीं। ठीक है मैडम, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अरे शिवम जी आप इधर। देखिए मैडम, मैंने आपको बोला था ना, इन्होंने भी ब्लैक पहन रखा है और आपने भी ब्लैक पहन रखा है, बस इस वजह से मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा सुनो ना, ऑटो में शायद मैं अपना पर्स भूल कर आ गई हूँ, लेकर आती हूँ, तुम यहीं वेट करो। ठीक है आप ले आइए। कोई बात नहीं भैया, मैं समझ सकती हूँ। हाँ मैडम आपकी बात तो ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, एक्चुअली मैं एक अच्छे घर का लड़का हूँ और मुझे बहुत डर लगता है कि कोई लड़की मेरे ऊपर झूठा इल्जाम नहीं लगा दे, बस इसीलिए। चलिए अब ठीक है, आप चले जाइए यहाँ से। अगर मेरे पति ने यहाँ पर मुझे देख लिया आपके साथ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जाइए। वाह, वैसे ना किसी ने सही कहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज तुम्हें ये गलतफहमी नहीं होती ना, तो तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने कभी आ ही नहीं पाता। कपिल तुम मेरे से जबरदस्ती रह रहे थे, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती थी, मैंने क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए, अरे सब कुछ तो दिया था। और हाँ, मैंने ना तुमसे एक बात छुपाई, मेरे पास पूरी 50 एकड़ जमीन है इस शहर में, जिसकी कीमत 100 करोड़ रुपए है। देखो मेरे से ना गलती होगी, मैं कोई तुम्हें ब्रेकअप नहीं कर रहा यार, मेरी गलत फहमी हो गई थी, हम चलते हैं ना अब शादी भी कर लेंगे, आओ। मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे पता है अब तुम मेरे साथ क्यों आ रहे हो, कि तुम्हें लालच हो गई है कि मेरे पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पड़ी है, तो अब तुम मुझसे शादी कर लोगे और वो सारी जमीनें तुम्हारे पास हो जाएगी। लेकिन नहीं, गलती ना मेरी थी कि मैंने तुम पर विश्वास करा। तुम मुझसे क्या ब्रेकअप करते हो, मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। अरे अरे यार शिट, अच्छा खासा माल हाथ से निकल गया।